सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को 11 फरवरी की रात गोली मार दी गई थी। इस मामले का उद्भेदन करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अधिवक्ता के दोस्त विक्रम अग्रवाल ने ही हत्या की साजिश रची थी और हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा अनुसंधान के बाद विक्रम अग्रवाल, संजय अग्रवाल और राम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में गोली चालन घटना घटी थी, जिसमें अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा घायल हुए थे। इसके संबंध में उनके मित्र, जिनके घर पर वो मिलने गए थे, विक्रम अग्रवाल, उन्होंने ही FIR दर्ज कराया था। जब कांड का SIT बनाकर अनुसंधान हुआ तो ये पता चला कि जो उनके मित्र थे वो ही इस घटना के मुख्य सूत्रधार थे। कारण यह था कि 10 लाख रुपया अधिवक्ता महोदय ने उन्हें लोन के रूप में दिया था और बड़ा हाई रेट ऑफ रिटर्न था। 10 लाख के बदले 3 महीने में ही 30 लाख लौटाने की बात थी, जिसमें से 20 लाख इस व्यक्ति ने लौटा भी दिया था, लेकिन फिर वो अपना अमाउंट बढ़ाते चले गए। और तब इस आदमी ने इनका कहना कि हम परेशान होकर एक क्रिमिनल से संपर्क किए और उससे संपर्क करने के बाद इसे मरवाने का प्लान किया था। उसी क्रम में ये गोली चली थी। टोटल 3 गिरफ्तार हैं और इसमें जो है जिसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइज किया था वो आदमी भी फरार है। कुल 4 आदमी को और पुलिस ढूंढ रही है। शीघ्र ही वो लोग भी सलाखों के पीछे होंगे।